हमारे अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे और जिसकी वजह से हमारे विद्यालय शिक्षा में बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में हम कहीं ना कहीं अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे थे। आज जो गेस्ट शिक्षकों का नियुक्ति था, आज उसका बिल्कुल नियमों कानूनों के तहत आज हमने सिलेक्शन करके सूची हमने जारी कर दी। हमारे यहाँ लगभग 4509 पद प्रवक्ता के खाली थे और 3079 ये LT में पद खाली थे। लगभग LT के 7% नियुक्ति हमने कर दी कुछ प्रमोशन के माध्यम से, और जो प्रवक्ता में लगभग हमने 4273 के आसपास हमने सूची जारी कर दी, और जो पद बचे हुए हैं प्रवक्ता में वो आरक्षण के रिजर्वेशन कोटे कुछ अभ्यर्थियों की तलाश थी जो नहीं आ पाए, जिनकी वजह से कुछ पद खाली रह गए। लेकिन हमने कोशिश की है कि जब तक आरक्षण के कैंडिडेट हमको नहीं मिल जाते हैं तब तक के लिए सामान्य श्रेणी के गेस्ट फैकल्टी वहाँ उपलब्ध करा देंगे, और जैसे ही आरक्षण वाले हमको अभ्यर्थी मिल जाएंगे उनको वहाँ से अंदाज करके आरक्षित शिक्षकों को हम लगा देंगे। और हमने ये भी कोशिश की है कि जो महिला विद्यालय हैं वहाँ महिलाओं को भी तैनाती देने की हमने कोशिश की है, कि जो कई वर्षों से एक स्थायी शिक्षकों की डिमांड थी उसको आज हमने फाइनल कर दिया, और सूची हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हमने उसको आज जारी कर दिया। हमने ये भी निर्देश साथ में जारी किया कि जो गेस्ट टीचर हैं जिनको निर्देश हमने दिया है ये तत्काल अपने विद्यालय में जाएं, जहाँ छुट्टी भी है इसके बावजूद भी, क्योंकि हमारे पहाड़ में अधिकांश सरकारी विद्यालय हैं, और ये उन स्कूलों में जाके गाँव के जो बच्चे हैं उनको अपने स्कूल में बुलाएं और एज ए ट्यूशन उनको अभी से पढ़ाएं, छुट्टियों का भी पूरा उपयोग हो जाए ताकि जो हाई स्कूल और इंटर के जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें बच्चों का कुछ उनका भला हो जाए।